आज की तारीख को पृथ्वी दिवस के रूप में बिहार में शुरुआत कराए 2011 में, और आपको मालूम है कि बिहार की जो स्थिति थी, झारखंड और बिहार अलग हो गया, उसके बाद कभी इसका लोगों ने सर्वेक्षण नहीं किया था कि क्या स्थिति है। बिहार झारखंड एक था तो किसी को चिंता नहीं होती थी कि साफ काफी है, वहां वृक्ष भी है, तो इन सब चीजों के बारे में जो था, तो यहां पर तो हम लोगों ने सबसे पहले उसका एक एक चीज दिखवाया कि चाहे जंगल हो या बाहर हो, कुल मिलाकर के मैक्सिमम ग्रीन कवर तो 9% ही था। ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता थी कि इसको धीरे धीरे करें, बढ़ाएं, तो वही 11 में हम लोगों ने पृथ्वी दिवस और शुरुआत करके एक तय किया कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हम लोग कराएंगे, और उसके लिए 24 करोड़ वृक्ष का लक्ष्य निर्धारित किया और निरंतर उस काम को लगातार करवाते रहे। तो उसके बाद तो हो गया, बाद में 22 करोड़ तक का वृक्षारोपण हुआ, लेकिन जब से ये काम तो चलता ही रहता है, हरियाली मिशन तो कायम है, हरियाली मिशन के अंतर्गत ये सब काम किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि जब जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 में हम लोगों ने तय किया, तो उसी समय हम लोगों ने जो 11 पॉइंट तय किया है उसमें से एक है वृक्षारोपण का हरियाली के लिए। तो उसके बाद से और हम लोगों ने कहा कि और ज्यादा हम लोग करेंगे ताकि कम से कम 17% तक तो आ जाए हम लोगों का ग्रीन कवर। तो उसी के लिए सब काम हो रहा है, और आप जानते हैं कि पिछले वर्ष जो शुरू किया गया तो उसमें लक्ष्य था 2,51,00,000 वृक्ष का रोपण का, लेकिन हुआ 3,95,00,000, जो हम लोग बता चुके हैं। और इस वर्ष के लिए यही तय किया गया है 5 करोड़ वृक्षारोपण का। तो अभी तो कई तरह का ये जो आ गया है, जानते ही हैं कि जिस तरह से जो एक स्थिति है सब जगह वर्षापात और ये सब को देखते हुए, तो अभी तो लगभग 3,15,00,000 पूरा हो पाया है, लेकिन 5 करोड़ पूरा करना है। इसको और आगे चला करके हम लोग 5 करोड़ वृक्षारोपण पूरा करेंगे। तो उसी के लिए आज, चूंकि आप जानते ही हैं कि जब हम लोगों ने शुरू किया था इसके लिए तो पृथ्वी दिवस के रूप में, तो इसलिए आज भी हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, और 5 तारीख को भी किया था, 5 तारीख से हम लोग शुरू करते हैं जून महीने में। तो इसको लेकर के हम लोगों का एक लगातार प्रयास है कि हम बड़े पैमाने पर करें और कम से कम 17 और अधिक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि असल आप एक बात जान लीजिए कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो तो जो है वही रहेगा, लेकिन आबादी बढ़ती चली जा रही है, तो उसके चलते जो भी स्पेस होगा वही तो, इसलिए हम लोग किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं और हर जगह प्रेरित करके चारों तरफ और सड़कों के किनारे हर तरह हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ करवाया है, तो अब वो बढ़ रहा है। और आप देखिए कहीं भी जाइए तो पहले की तुलना में आपको दिखेगा कि कैसा लगता है, तो सब जगह देखिएगा कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। जब पूरे तौर पर जो हम लोगों का लक्ष्य हो जाएगा तब एक पर्यावरण का कुछ संतुलन होगा, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये हम लोगों का विचार है। और आप जानते हैं उसको लेकर के हम लोग जल के संरक्षण का भी, तो जो नाम दे दिया जल जीवन हरियाली, यानी जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित, तो इसी आधार पर चल रहे हम लोग काम कर रहे हैं। और काम शुरू किया तो जानते हैं कि बीच में 1.5 साल से जो कोरोना का दौर आ गया, फिर भी कोरोना के दौर में भी इतने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ है, और बाकी भी जो काम हम लोगों का जल जीवन हरियाली अभियान का 7 पॉइंट जो जल को लेकर के, वो तो सब काम चलाया जा रहा है। तो इसके चलते जो हम लोगों का है वो कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखे हैं वो आप सबको मालूम ही है, वो तो हम बता ही चुके हैं, वो 4 तारीख को ही उनके पास कार्यालय में पहुंचाती है, तो इसलिए 4 तारीख को फर्स्ट हाफ में अभी तक तो कुछ नहीं है। अब तो भाई ये सब बात तो केंद्र सरकार पर नहीं, और हम लोग तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, तो इस जाति आधारित जनगणना हो जाए, तो ये तो हम लोगों की पुरानी मांग है, तो पुरानी मांग है और शुरू से पहले भी बता चुके हैं। तो उसी को लेकर के, और जैसा कि सबको मालूम ही है कि बिहार में विधानसभा विधान परिषद में 2019 में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ,
2020 में भी विधानसभा में सर्वसम्मति से दोबारा पारित हुआ। हम लोगों ने इसको प्रेषित किया है और इसके लिए हम लोग हमेशा अपनी बात कहते हैं। तो हम लोगों की तो इच्छा है इसका फायदा होगा। देखिए, अगर जो जाति आधारित जनगणना एक बार भी कमीशन करा देंगे तो एक एक चीज की जानकारी होगी पूरे देश के अंतर्गत, कहाँ कौन जाति किस जाति की क्या स्थिति है, और उसको लेकर के जो विकास की योजनाएं बनाते हैं उसका लाभ समूह को मिलेगा। और उस तरह की योजनाओं को बनाने में भी यह जो एक पूरा का पूरा फिगर प्राप्त हो जाएगा सब जातियों का, और ये किसी के लिए नहीं सबों के हित में, जब पूरे तौर पर प्राप्त हो जाएगा तो सबों के हित में। तो अब हम लोगों की तो इच्छा यही है और हम आप लोगों को बताते रहे हैं 90 से ही हमको के मन में बात आई है तो करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों की तो चाहत है और जैसा कि पूरे बिहार में सर्वसम्मति से है तो अब आगे तो निर्णय लेना तो केंद्र सरकार का काम है। हम लोगों ने दिया है, अगर वो समय देंगे तो जरूर मिलकर के हम लोग अपनी बात कहेंगे, उसमें कोई बात नहीं। और इस चीज का संबंध कोई राजनीतिक नहीं, ये पूरा का पूरा संबंध सामाजिक है। सामाजिक तौर पर जो सबके हित में है तो इसलिए हम लोग ये इस बात को रखें। प्रधानमंत्री जी को आपने पत्र लिखा है, अब तक कोई जवाब नहीं आया है। आपके पार्टी के सांसदों के शिष्टमंडल भी प्रधानमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से समय नहीं मिला, उन्हें सलाह दी गई गृह मंत्री से मिलने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि अब तक समय नहीं आया आपके पार्टी के सांसदों को सलाह दी गई गृह मंत्री से मिलने के लिए? तो आपको एक लगता है क्या कि इलेक्शन का एक प्रेस है वहाँ जाति जनगणना को लेकर, क्योंकि पार्लियामेंट में भी कह दिया गया है कि जाति जनगणना नहीं होना है? ये बात जो आई है इसी को लेकर के ना चारों तरफ से, और कोई हम लोगों के राज्य में नहीं, विभिन्न राज्यों में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। और आप जानते हैं हमारे पार्टी के सांसदों ने भी इसके लिए मांग की है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का इच्छा, तो उन्होंने कहा कि आप गृह मंत्री से आप जो हुआ तो गृह मंत्री से मिलकर के सब बात सांसदों ने कह दिया। लेकिन यहां की बात तो सब जगह एक साथ पारित हुआ है, इसलिए लोगों की इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री से मिल करके, और जो कुछ भी मेरे सामने विपक्ष की तरफ से कहा गया कि आप के साथ चल करके, तुमने कहा ठीक है तो उसके लिए लिखा है। लेकिन ये सब चीज जान लीजिए, ये तो निर्णय लेना तो केंद्र सरकार, लेकिन हम लोगों की जो मांग है, हम लोगों की जो इच्छा है उसको हम लोग प्रकट करते हैं। जो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये सब कोई पॉलिटिकल बात है ही नहीं, ये सामाजिक बात है, सबके सामाजिक हित में ये बात है। निर्णय लेना तो सरकार को, हम लोग तो अपनी बात करते हैं। नहीं, ये तो फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे ना। देखिए, जातीय जनगणना तो पूरे देश का एक साथ होता है, लेकिन अगर जातिगत के बारे में जानकारी लेने के लिए अगर गणना करिए, जनगणना तो पूरे देश का एक है, तो अगर किसी राज्य में करना चाहे, इसके पहले भी कुछ राज्यों ने किया है, कर्नाटक में किया था एक बार, तो फिर जो पता चला है इसके बारे में, और फिर कुछ मालूम हुआ है कि दूसरे जगहों पर भी अपने ढंग से कुछ कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बारे में आवश्यकता होगी कि हम लोग पूरे जगह पर, पूरे अपने बिहार में जातियों की क्या गिनती है, क्या स्थिति है, उसका गणना करना चाहते हैं, तो फिर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग उसके बारे में। अभी तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, अभी तो हम लोग इच्छा है कि हो जाए केंद्र भर देश भर में तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन राज्य का जहाँ तक सवाल है उसके बारे में फिर हम लोग बातचीत करेंगे। ये तो आपस की बात है, यहाँ की बात है। तो पहले तो चाहेंगे हम लोग कि यही हो, और राज्य के अंदर भी अपने राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, वो हम लोग सब बात करके फिर करेंगे। ये देशवासी नेता जी जातिगत जनगणना के लिए आवाज उठा कर रहे हैं, देश की बड़ी पार्टियों में कांग्रेस या फिर बीजेपी इस लेवल पर कहीं पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं कि ये तो सबकी इच्छा है, और आप जान लीजिए, और हम लोगों को मालूम है कि पूरे देश में सब लोगों का है। एक बार जो पर मिश्र 31 में ही ना हुआ अंतिम रूप में, तो एक बार करना तो देश के हित में है, सब चीज की जानकारी मिल जाएगी तो सब लोगों के हित में है,
सब लोगों के विकास के लिए और पूरे तौर पर और लोगों के उत्थान के लिए और राष्ट्र के एकदम सचमुच ठीक ढंग से विकसित करने के लिए, विकास का मतलब उसका लाभ सबको मिलना चाहिए और सभी लोगों को। मान लीजिए किसी में शिक्षा की कमी है, किसी में और चीज़ की बहुत तरह की कमी है, तो उसको सबको एक करके मिलाने के लिए, और शिक्षा ही नहीं, अन्य प्रकार की कमियां हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो सब चीज़ को जान करके, एक एक स्थिति की जानकारी ले करके अगर इसको कर दिया जाए, एक बार अगर हम लोग जान लें तो सबके हित में काम हो जाएगा और वो राष्ट्र के हित में, देश के हित में। ये पर्टिकुलर कुछ लोगों के हित की बात नहीं है, ये सबके हित में, पूरे देश के हित की बात है। हम लोगों की जो समझ है, आपका जो भावना है समावेशी विकास का, जातीय गणना समावेशी विकास के लिए सरकार की नीति को बनाए जाने में एक अच्छा सहयोग मिलेगा, एक बल मिलेगा, ऐसा लगता है। हम तो आपको अपनी बात कही चुके हैं, इसको हो जाने से तो देश हित में है, हम बार बार कह रहे हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं, लेकिन अब देख लें, लोग समझ लें। नहीं, हम लोग तो पूरे तौर पर अपने यहाँ पूरी मजबूती के साथ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, टीकाकरण का। और आपको जानते ही, हम लोगों ने पिछले ही महीने कहा कि 6 महीने में 6 करोड़ निश्चित करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और पूरे तौर पर वैक्सीन का भी प्रबंध हो जाता है केंद्र सरकार की कृपा से। और पहले तो शुरू में था तो हम लोगों ने वैक्सीन को खरीदा भी था, लेकिन बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया केंद्र सरकार देगी, तब तो मिलना शुरू हो गया और उसका आता है। और सब जगह वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और चारों तरफ हर जगह के लिए काम हो रहा है वैक्सीनेशन का, और ये बहुत आवश्यक है। और सिर्फ वैक्सीनेशन भी नहीं, हम लोग जाँच में भी लगे रहते हैं। और हमारा ये है कि जब तक हर कैस किसी का टेस्ट नहीं करेंगे, तो मान लीजिए एक बार के बाद कोई सोच रहा था दोबारा कितना हो गया, और तीसरे बार का भी चक्कर चल रहा है, सुना जा रहा है। तो अगर हम लोग जांच ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे, हमने तो कह दिया कि भाई देखो अब कम से कम 2 लाख प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं, तो इतना करने से पता तो चल जाएगा। कहीं भी अगर जांच करिएगा, अगर एक आदमी 2 आदमी भी मिला तो कितना लाभ है, अगर नहीं जांच करेंगे तो उस 1 आदमी 2 आदमी को पता भी नहीं चला और 1-2 के चलते सैकड़ों लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए एक तरह तो टीकाकरण बचाव के लिए और दूसरा जानकारी के लिए और लोगों के की सुरक्षा के लिए जांच भी जरूरी है, और हम लोग कर रहे हैं। और एक एक चीज आप समझ लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट का, और इसमें सभी पूरी सरकार, पूरे सरकार का प्रशासन, सब लोग मिल करके इस काम में लगे हुए हैं। और हम लोगों के यहाँ जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और अभी तो 18 साल से ऊपर वाले सब लोगों के लिए है, लेकिन इसके बाद जो चर्चा चल रही है कि अगर उनसे कम उम्र वाले का या 12 साल के ऊपर वाले का भी अगर निर्णय हो जाएगा वो भी होगा, लेकिन अभी तो जो कुछ भी हो रहा है वो 18 वर्ष से उसके ऊपर वाले सभी लोगों का। ललित जी को आप लोगों ने